मोदी तो अपने अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, ना उसने तेल का पता है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए कोई कहीं जा नहीं सकता। हमने सोचा था मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने कि 15-15 लाख आ जाएंगे। हमने कहा चल यार 15-15 लाख आ जाएंगे, चलो कुछ काम धंधा शुरू कर लेंगे। बाद में जी इनका ही मिनिस्टर कहता है कि अमित शाह जी, ये तो भैया एक जुमला था, आप जुमला नहीं समझ पाए। सिलेंडर है, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, क्या फायदा बिजली वो करने से, बिजली के बढ़ गए हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जो आदमी जहाँ था ना वहीं है, जो बढ़ रहे हैं पैसे वालों का विकास हो रहा है, वो गरीब आदमी वहीं का वहीं है। देशवासियों को एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आम आदमी के लिए खाना पकाना और महंगा हो चला है। कमर्शियल LPG के बाद अब डोमेस्टिक LPG सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया गया है। शनिवार को घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। बढ़ी हुई कीमतें शनिवार यानी 7 मई 2022 से ही प्रभावी हो गई है। अब राजधानी दिल्ली में 14 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इससे पहले घरेलू LPG के दाम 22 मार्च को 50 रुपए बढ़े थे। अप्रैल महीने में सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ था। लगातार बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ती जा रही है। CNG, PNG, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सभी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और ये जो इजाफा है कई महीनों से जारी है। शनिवार को भी जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़कर 999.50 रुपए हो गई है। आइए हम जानते जनता से कि इस गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों को लेकर कितना असर उनकी जेब के ऊपर पड़ा है। नहीं, जो पैसे वाले उनका विश्वास हो रहा हो, विकास हो रहा होगा, जो गरीब आदमी ना वो वहीं का वहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा है। सिलेंडर है, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, क्या फायदा बिजली वो करने से, बिजली के बढ़ गए हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जो आदमी जहाँ था ना वहीं है, जो बढ़ रहे हैं पैसे वालों का विकास हो रहा है, वो गरीब आदमी वहीं का वहीं है। कोई भी अच्छे दिन नहीं आए, पहले अच्छे से रोटी खा रहे थे, पानी पी रहे थे, अब नींबू पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि ना नींबू 60 से 80 रुपये पाव हो रहा है। अगर कोई बूढ़ा आदमी बाहर से भी आ है गर्मी में मरता तो एक गिलास पानी नहीं पी सकता क्योंकि नींबू एक नींबू है 10 रुपये है। मोदी तो अपने अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, ना उसने तेल का पता है, पेट्रोल के दाम भी इतने बढ़ा दिए कोई कहीं जा नहीं सकता। आदमी कहीं तीर्थ पर जाता था वहाँ भी नहीं जाता, ठीक है। मोदी पे क्या फर्क पड़ा, मोदी के अच्छे दिन आए होंगे, हमारे नहीं आए। बहुत ज़्यादा पड़ी है, सबसे ज़्यादा सिलेंडर पे पूरा 1,000-1,200 रुपये का कर दिया। ब्लैक लोगों से ले तो ब्लैक में कर दिया उन्हें, ब्लैक हमारे लिए तो मान लिया रेंट पर आ रहे तो रेंट का किराया भी देना 5,000 रुपये तो किराया देना। मकान मालिक ऐसे हो रहे हैं कि भाई चाहे कुछ कराएं चाहे ना कराएं उसमें पैसे हर साल बढ़ा दें, उसमें हर साल भाई बढ़ा दिए, 1,000 रुपये बढ़ा दिए, 500 रुपये बढ़ा दिए, बढ़ा ही दिया हमारे तो। पहले 4.5 दे रहे और अब 5 ही दे रहे हैं। और क्या बच्चे तो बड़ी है तो आपकी आमदनी भी कुछ बड़ी है या सेम है? कुछ नहीं सेम है, कुछ नहीं बढ़ा, दूध पे पैसे बढ़ रहे हैं, चाय की तो कुछ हमारी चाय की दुकान है लेकिन कुछ ना है, वही 3 रुपए की चाय जा रही है हमारी। चीनी पे तो काम पे चले जाते लेकिन महिलाएं घर पे रहती है, महिलाओं को सब कुछ देखना पड़ता है, कुछ बचाना पड़ता है, तो वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो पाता, बच्चों के खाने की पूर्ति नहीं हो पाती। मान लिया 5,000 रुपये किराए के देने, चलो आदमी अगर 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा है उसमें 5,000 रुपये किराए के चले गए, 5-6 हज़ार रुपये से। तो अब जो महंगाई हो रही है 200 रुपये किलो तो तेल कर दिया भाई, जिस हिसाब से तेल हो रहा है उस हिसाब से कैसे घर का खर्चा चलेगा, नहीं चल पाएगा, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी, बिल्कुल खत्म होगी, कुछ भी नहीं हमारे पास सेविंग। तो सरकार ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन आ रहे हैं या बुरे दिन? बहुत बुरे दिन आ गए, मरने वाले दिन आ गए। मोदी सरकार से खुश हो? बिल्कुल भी खुश ना है। और महंगाई अपनी चरम सीमा में बढ़ती जा रही है और 87 रुपीज से पेट्रोल था शायद, अभी परसों मैंने टंकी फुल कराई है 105 रुपए के हिसाब से, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये पेट्रोल रेट किस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। कि अगर मान लो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ना चाहिए 1-2 रुपए के हिसाब से, चलो बढ़ा दो यार, इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए, बट अब कुछ कह ही नहीं सकते। अरे मैडम, मैं खुद एक कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस से परेशान था। हमने सोचा था मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने कि 15-15 लाख आ जाएंगे। हमने कहा चल यार 15-15 लाख आ जाएंगे, चलो कुछ काम धंधा शुरू कर लेंगे। बाद में जी इनका ही मिनिस्टर कहता है कि अमित शाह जी, ये तो भैया एक जुमला था, आप जुमला नहीं समझ पाए। और अब ये कोई बात कहते भी जुमला लगता है जी उनकी, हर बात विश्वास ही नहीं होता ऐसे में कि 70 साल चलो कांग्रेस ने राज किया था, हम तो उसे राज ही कहना कह रहे हैं, शासन नहीं कह रहे, राज किया उन्होंने हम पे और हमने करवाया, पर हम उनके राज में चलो कहीं ना कहीं खुश थे कि 450 का 475 का सिलेंडर था, ठीक है जी, वो महंगे दिन थे, और 65-55 रुपये का पेट्रोल था, वो महंगा पेट्रोल था, बट आज 105 रुपये का है। ये जो देशभक्त हैं या बीजेपी सरकार है उनके लिए सस्ता है,
कि हमें देश में उन्नति चाहिए इसलिए महंगाई हो रही है, तो हमें नहीं पता जी कैसी उन्नति हो रही है और कौन विकास है, हमें आज तक विकास का पता ही नहीं चला। बस लैट्रिन बाथरूम बनवा लो इनसे और पानी की फिर व्यवस्था नहीं है। जिसके ऊपर सरकार चल रही है हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे और इंडिया पाकिस्तान मुद्दे पे, मैं कह रहा हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट या अपने अगर देश में कोई शासन है अगर वो इस पे बैन लगा दे तो ये सरकार चल ही नहीं सकती जी, इनके पास कोई तीसरा मुद्दा ही नहीं है। देश में धर्म और लाउड स्पीकर के ऊपर काफ़ी हंगामा मचा हुआ, लेकिन महंगाई के ऊपर ना सरकार कुछ बोलने को तैयार है ना ही विपक्ष कोई कदम उठाने को तैयार है। आगे देखना होगा कि ये महंगाई कहां तक जाके रुकेगी। बता दें कई महीनों से लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अब घर में खाना बनाना हो या कहीं बाहर जाकर खाना खाना हो, महंगाई की मार से कोई नहीं बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज़।